हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइम सीरीज एनालिसिस। में आज हम मेथड करेंगे लीस्ट स्क्वेयर मेथड। और लीस्ट स्क्वेयर मेथड को हम जो है आल्सो नोन एज लाइन ऑफ फिट, बेस्ट फिट जो है वो भी कहा जाता है। अब जो है लीस्ट स्क्वेयर मेथड जो है वो हम क्यों कर रहे हैं टाइम सीरीज एनालिसिस में, क्योंकि हमारे पास हमने जो मूविंग एवरेज किया, मूविंग एवरेज में जो है आपकी सारी वैल्यूज की ट्रेंड वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, हर वैल्यू की आप ट्रेंड वैल्यू पता कर सकें, उसके लिए हमारे पास जो मैथड है दैट इज़ द लीस्ट स्क्वेयर मैथड। और लीस्ट स्क्वेयर मैथड में हमारी दो कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज समेशन समेशन ऑफ वाई माइनस वाई सी क्या है, आपकी कंप्यूटेड वाई है या कह लो कैलकुलेटेड वाई है या एस्टिमेटेड वाई है, जो आपने ट्रेंड वैल्यू से फाइंड आउट करनी है या ट्रेंड वैल्यू से कह सकते हैं। इसका जो समेशन है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। एंड सेकंड जो है दैट इज द कि आपका वाई माइनस वाई सी करके जो उनका जो स्क्वेयर है उसका समेशन दैट शुड बी लीस्ट। इसीलिए इसी कंडीशन के कारण इसे लीस्ट स्क्वेयर मैथड भी कहा जाता है। कि इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से जो आपकी एक्चुअल वाई है और जो आपकी कैलकुलेटेड वाई है उसके बीच का जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो एरर मिनिमाइज हो जाता है, इसीलिए से कहते हैं लीस्ट स्क्वेयर मैथड। अब लीस्ट स्क्वेयर मैथड में हम फाइंड आउट क्या करते हैं, जैसे आपने रिग्रेशन में किया हुआ है, रिग्रेशन में आप दो रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। एक बार में आपका एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरी बार में वाई जो है दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर हमें जो है जो फाइंड आउट करना है, हमें कैलकुलेटेड वाई या एस्टिमेटेड वाई पता करनी है ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पास दो कॉन्स्टेंट हैं ए एंड बी, और एक आपके पास एक्स वेरिएबल है, इसे टाइम वेरिएबल भी आप कह सकते हो। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो मैथड्स हैं। एक है हमारे पास लॉन्ग मैथड या डायरेक्ट मैथड, जो कि हम नॉर्मल इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नॉर्मल इक्वेशन क्या हैं, जैसे हमने रिग्रेशन में नॉर्मल इक्वेशन निकाली थी y ऑन x से, ये वही है, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनती है x को मल्टीप्लाई करके, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन x का स्क्वेयर। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिनके थ्रू हम जो है लीस्ट स्क्वेयर मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक शॉर्टकट मेथड भी आता है। अब शॉर्टकट मेथड में क्या है कि आपके पास क्या है कि आप ए फाइंड आउट कर सकते हो सिंपल। शॉर्टकट मेथड आपने तब यूज़ करना है जब आपकी समेशन एक्स जो है दैट इज इक्वल टू जीरो, तब आप शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हो। या ये कह लो कि शॉर्टकट मेथड में आपको समेशन एक्स जो है वो इक्वल टू जीरो लिख दिया। अब इसमें क्या है कि ए इज इक्वल टू समेशन वाई ओवर एन और बी इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई ओवर एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकला यहीं से है पर इसे शॉर्टकट है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ। हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं, जैसे हमने कहा समेशन एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। अब मैंने कहा शॉर्टकट मेथड के लिए आपका समेशन एक्स क्या होएगा, जीरो। अगर समेशन एक्स आपका जीरो है इट मींस समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो नेचुरली ये पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। तो समेशन वाई क्या रह जाएगा, एन ए। और ए की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे, एन इधर जाके डिवाइड हो जाएगा समेशन वाई ओवर एन। ये आपका शॉर्टकट मेथड फॉर्मूला निकल गया, ठीक। दूसरी जो इक्वेशन है ये वाली, इससे हम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए। यहाँ पर जो एक्स है समेशन एक्स उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो, प्लस बी समेशन एक्स का स्क्वायर। तो ये वैल्यू सारी क्या हो गई, जीरो। तो हमारे पास क्या आ गया, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू बी समेशन एक्स का स्क्वायर। तो इन दैट केस बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स का स्क्वायर। तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ये ड्राइव हो गया। बेसिकली हम यूज़ यही नॉर्मल इक्वेशंस करते हैं
पर जब आपका समेशन x जो है वो जीरो हो जाता है तो इन दैट केस आपका ये शॉर्टकट मेथड ड्राइव हो जाता है।